अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे मछलियाँ नाराज ना हो जाएं, इसकी पढ़ाई करेंगे। तो जहाँ से आपको समझ ना आए, आपने उसको खत शीट करते जाना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मछलियाँ नाराज ना हो जाएं। सारे बच्चे सफ़ा नंबर खोलें 102 और 103। फ़ाइज़ को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता था। गर्मी में वो दिन में 2 बार नहाता, पानी से खूब खेलता। शाम को वो घास पर पाइप से पानी डालता, उसे पानी में छमछम भागने में बड़ा मज़ा आता। छमछम कहते हैं जो हम पानी में भागते हैं ना, ऐसे हाथ मारते हैं तो आवाज़ आती है पानी की, उसे बोलते हैं छमछम। बड़ा मज़ा आता। एक दिन वो सैर करने तालाब के किनारे गया। तालाब के किनारे घास उगी हुई थी, यहाँ बहुत सी मछलियों के घर थे। अचानक एक मछली तालाब से उभरी और बोली, फाइज़ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम हमारा ख्याल नहीं करते। फाइज़ ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों नाराज़ हो। मछली बोली, मैं मछलियों की सरदार हूँ, मैं नहीं सारी मछलियाँ तुमसे नाराज़ हैं, ठीक है। इसलिए अगले सफ़े पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 103 पे। इसलिए कि तुम पानी बहुत बहाते हो, ये पानी इस तालाब से तुम्हारे घर आता है। अगर तुम और दूसरे लोग इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाओगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा। हम तो पानी में ही रहते हैं, पानी ना होगा तो हम मर जाएंगे। अच्छे फाइज़ पानी मत बहाया करो। फाइज़ फाइज़ उठो, स्कूल नहीं जाओगे, देर हो रही है, जल्दी से उठो और नहाओ, तुम तो नहाने में बहुत ही देर लगा देते हो। अम्मी ने फायज़ को जगाया। फायज़ जल्दी से उठ बैठा और अम्मी से कहा, अम्मी मैं आज नहाने में देर नहीं लगाऊंगा, अब पानी को बिना ज़रूरत नहीं बहाऊंगा, वरना मछलियाँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर अम्मी खुश हो गईं। फाइज ने ये बात समझ ली थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना अच्छी बात नहीं। तो अब आते हैं बोर्ड की तरफ। मैम आपको नए लफ्ज़ लिखना सिखाएंगी, ठीक है। कि हमने कैसे लिखने की, देखिए मैम ने आपके लिए मछलियाँ भी बनाई हैं, लगाई हैं बोर्ड पे। तो आपने जो जो लफ्ज़ मैम लिखवाएं अच्छे से उसको लिखना है और घर में 2 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आते हैं लिखते हैं, तो इसके बाद में आपने पढ़ाई भी करनी है। डायरी भी मैम ने आपके नीचे नोट कर दी हुई है, तो लिखना मैम आपको सिखाती हैं कि हमने लफ्ज़ कैसे लिखना है। सबसे पहले मैम लिखेंगी खेलना। क्या लिखेंगी मैम? खेलना। तो जैसे जैसे मैम लिखे वैसे वैसे आपने लिखना है, ठीक है। मैम लिख रही हैं खेलना, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना, खेल ना, ऐसे खेलना, ठीक है। शाबाश, ठीक है। तो खेलना, नुक्ते तो मैम ने लगाई नहीं, खेलना, ठीक है। आगे वाला लफ्ज है घास। अब लिखेंगे आप घास, क्या लिखना है? घास, प्यारा सा लिखना है, घास घास, ठीक है। आगे मैम लफ्ज़ लिखेंगी छम छम, क्या लिखेंगी मैम? छम 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 छम, ठीक है, छम छम, ठीक है। ये तीनों लफ्ज़ मैम लिख रही हैं। आगे मैम लिखेंगी, आपने भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, भागने, ठीक है। वैसे तो आपको लिखना आ गया है, बड़ा अच्छा लिखने लगे हैं, लेकिन ये नए लफ्ज़ भी आपने लिखने सीखने हैं। भागने भागने, ठीक है। आगे आप लिखेंगे तालाब, क्या लिखना है? तालाब तालाब, ठीक है। आगे आप लिखेंगी अचानक उभरी, अचानक फिर लिखेंगे उभरी, अचानक, ठीक है, अचानक। जे के नुक्ते, नून के इधर वाला सिरा बड़ा और इधर वाला छोटा, ठीक है, अचानक। अब हम लिखेंगे उभरी, क्या लिखेंगे? उभरी उभरी, उभरी, क्या लिखना है? उभरी। अब हम लिखेंगे नाराज,
क्या लिखेंगे? नाराज, साथ साथ पढ़ते भी जाना है, नाराज। ठीक है, नुक्ता भी लगाएंगे। आगे आपने लिखना है सरदार, क्या लिख रहे हैं? सरदार, सरदार। ठीक है, जोड़ जोड़ के लिखा कर लफ्जों को। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे बहाते, क्या लिखना है? बहाते, बहाते हम ऐसे लिखते हैं, इधर देखें बहा, ये देखें बहा, ते बढ़िए, ते क्या बन गया? बहाते, शाबाश। आगे आप लिखेंगे जरूरत, क्या लिखना है? जरूरत, इसको आपने प्यारा प्यारा करके लिखना है, थोड़ी इस लाइन से नीचे आए, जरूर वाव को फील करेंगे और ते, जरूरत। ठीक है, आगे आप लिखोगे जगाया, क्या लिखना है? जगाया, जगाया। ठीक है, जगाया। आगे आप लिखेंगे लव्स वरना, क्या लिखना है? वरना, वाओ रे, वाओ को फिल करेंगे और नून हिना, वरना। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अच्छी बात, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात, बात। ठीक है, लास्ट वाला जो आप लफ्ज़ लिखेंगे वो आप लिखेंगे जल्दी। ठीक है, जल्दी। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैम ने आपको लफ्ज़ लिखवाए हैं इनको आपने सर्कल भी करना है, यूं जैसे हम क्लास में करते थे ना, ऐसे सर्कल भी करना है। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा आज का हमारा सबक, इनको आपने सर्कल भी करना है। पहले मैम लिखा है खेलना, घास, छम छम, भागने, तालाब, अचानक, उभरी, नाराज, सरदार, बहाते, जरूरत, जगाया, वरना, अच्छी बात और जल्दी। जैसे जल्दी के ऊपर सर्कल लगाया मैम ने, वैसे ही आपने भी सर्कल लगाना है। ठीक है बेटा, अच्छे से घर में रहें, पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।